ग्वालियर में गृहमंत्री अमित शाह की बैठक को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उनका सम्मान और उनका हक मिले। कांग्रेस पार्टी जिन कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख रही, सम्मान नहीं दे रही। अगर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते तो उनका स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राम यात्रा निकालने को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस का दौरा चरित्र है। जब राम मंदिर की प्रण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया तो ये कहे क्या, अब चुनाव आ गए तो राम याद आ गए, ये दोहरा चरित्र क्यों, ये तो नहीं चलने वाला। जनता सब समझ रही है, जब मंदिर को लोकार्पण अवसर नहीं मिल पहुंची, अब वोट के लिए राम याद आ रहे हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने साफ रूप से कहा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनको सम्मान मिले, उनका हक मिले और कांग्रेस पार्टी जिन कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख रही, सम्मान नहीं दे रही, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत करिए। 370 वोटों को लेकर क्या कहा, चलो आगे चलोगे रोटी खाओगे। कांग्रेस राम यात्रा निकाल रही है, देखो कांग्रेस का दोहरा चरित्र, जब भगवान राम के लोकार्पण के अवसर पर इन्हें बुलाया गया, गए क्या, चुनाव की बारी आ गई तो राम याद आने लगे, ये दोहरा चरित्र क्यों, मतलब ये तो नहीं चलने वाला। जनता सब समझ रही है कि जब तुमने कांग्रेस लोकार्पण के अवसर राम के अवसर पर वहाँ पे नहीं पहुँची, अब वोट के लिए राम याद आ रहे हैं, वो वादे याद दिला रहे हैं जो घोषणा पत्र में किए थे, उन वादों को याद दिलाने के लिए राम, वो शायद ये वायदे याद दिला रहे होंगे। उन्होंने वायदा किया था कि देश से बेरोजगारी, देश से गरीबी हटाएंगे, देश से कांग्रेस तो अमीर हो गई पर गरीब वहीं रहा, ये याद दिला रहे होंगे।